हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शीतल है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था मेरे वीडियोस पे कि कोई भी ऐसा क्रीम बताइए जिससे हमारा जो डार्क स्पॉट्स है, एक्ने हैं, एक्ने स्कार्स है, ब्लेमिशेस है, उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा। सो गाइस, इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इस क्रीम को आप कैसे यूज़ कर सकते हो और इस क्रीम का क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है और ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ये एक कंप्लीट आयुर्वेदिक स्किन हेल्थ सॉल्यूशन फॉर एंटायर फैमिली और ये 100% पैराबिन फ्री है गाइस। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि ये आपके चेहरे से एक्ने, पिंपल्स, बॉयल्स और स्किन इन्फेक्शन को क्लियर करने में हेल्प करता है और आपके चेहरे को एक रिफ्रेशिंग और रिवाइटलाइजिंग रख के और नरिशिंग भी करता है आपके चेहरे को। ये एक मेडिसिनल ऑइंटमेंट है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए भी सूटेबल है और इसको मेन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको 3 से 4 वीक तक अपने चेहरे पे लगा के देखिए, तब जाके आपको फ़र्क नज़र आएगा, 1 या 2 दिन में नज़र नहीं आएगा। इसमें भी यही मेंशन किया है कि बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इस प्रोडक्ट को 3 वीक तक यूज़ करना है। जो प्रोडक्ट है ये कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और इसका जो नेट वेट है 30 ग्राम्स है और इसका जो प्राइस है गाइज, ये जस्ट 93 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ऐसी कौन सी इंग्रेडिएंट है जो आपके चेहरे से डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, एक्ने, स्कार्स, ब्लेमिशेस को क्लियर करने में हेल्प करता है। इस क्रीम में है एलोवेरा, तुलसी, हल्दी, गाजर, नींबू, खीरा, बादाम, सेब, द्राक्ष और इसमें चंदन और नीम भी है। ये सब जो है ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और इसमें कोई भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं किया है। जिस वजह से ये आपके चेहरे से एक्ने, पिंपल्स, बॉयल्स और स्किन इन्फेक्शन जैसे बीमारियों को हटाने में ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। मैं आपसे शेयर करूँगी इसके इनर पैकेजिंग के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक लीफलेट मिल जाएगा, उसमें आपको रूप मंत्रा के कई तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं गाइस, इनके पास 5 तरीके के डिफरेंट फेस वॉश भी है, जैसे क्यूकम्बर, मिक्स फ्रूट, नीम, लाइम, मिंट एंड एलोवेरा, और इनके पास आयुर्वेदिक सोप है और कैप्सूल्स है और आयुर्वेदिक क्रीम है, इसके बारे में मेंशन किया है। और ये जो रूप मंत्रा क्रीम है और इंडिया में सब जगह अवेलेबल है और इसको आप ऑनलाइन में ऑर्डर कर सकते हो। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में आपको ये जो प्रोडक्ट है आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत लोगों के कस्टमर्स के फीडबैक लिखा हुआ है। गाइस, ये एक ट्यूब में आता है और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी बताया था वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ये सेम ट्यूब में मेंशन किया हुआ है और ये एक ट्रैवल फ्रेंडली ट्यूब है, आप इसको कहीं पे भी आसानी से कैरी कर सकते हो। तो शेयर करूँगी इस क्रीम के टेक्सचर के बारे में। गाइस, ये क्रीम जो है ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में है और इसका जो कलर है ये एक पिंकिश कलर में आता है और आप जैसे देख सकते हैं कि इसका जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही थिक है। जब कभी भी मैं इस क्रीम को अपने चेहरे पे लगाती हूँ, ये जो क्रीम है मेरे चेहरे को बहुत ही ड्राई करता है, तो मैं इस क्रीम को जो है मॉइस्चराइज़र के साथ इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपका चेहरा बहुत ही ड्राई है तो आप इसको मॉइस्चराइज़र के साथ ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ड्राई हो जाता है और ये आपके चेहरे को ऑयली होने नहीं देता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत वाइट
कास्ट छोड़ रहा है। अगर आप मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करोगे तो आपका जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगा। आपका चेहरा ऑयली हो तो आप इसको डायरेक्टली अपने चेहरे पे यूज़ कर सकते हो और इस क्रीम को आप दिन में दो बार लगा सकते हो। आप ये क्रीम को रेगुलरली यूज़ करते हो तो आपके चेहरे से जितने भी पिंपल्स है, डार्क स्पॉट्स है, एक्ने, स्कार्स या ब्लेमिशेस है, उसको क्लियर करके आपके चेहरे को हाइड्रेटिंग बनाने में ये हेल्प करता है और आपके चेहरे से जो टैन है उसको भी रिमूव करके ये एक रिज्यूविनेटिंग स्किन बनाने में ये मदद करता है। गाइस, ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है और इसमें मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया है। अगर आपका स्किन बहुत ही सेंसिटिव है तो प्लीज़ आप एक बार इसको पैच टेस्ट ज़रूर करिएगा अपने चेहरे पर लगाने से पहले। आप इस क्रीम को एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस क्रीम से मदद मिली है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही आपको पहले नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू सो मच और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।